हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बात बताइए तेजस्वी जी, आप बिहार में नहीं है क्या? आप दिल्ली में फंस गए लॉकडाउन में क्या? आप कहाँ हैं? कहाँ से लाइव कर रहे हैं? अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। हम जो है लॉकडाउन में, आपको पता था क्या लॉकडाउन होने वाला है? नहीं हमको तो नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपके विरोधी आप पे हमला कर रहे हैं क्या? आप दिल्ली में रहते हैं, आप पटना में नहीं रहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कहाँ से हैं, अभी कहाँ से लाइव हैं? दिल्ली से हैं, पटना से? भैया भैया एक बात बताएं, जी जो हम लोगों ने किया है वो सरकार जो है, जो सुझाव जो हमने दिए हैं वो बार बार जो है आप उसी को करना आप पड़ा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जेडीयू के नेता हैं अरविंद निषाद, जो कि प्रवक्ता हैं, वो ये लिखते हैं ट्वीट में, आज का ट्वीट है कि आप हर आपदा में बिहार से अनुपस्थित क्यों हो जाते हैं? प्रवासी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कब तक रहेंगे आप? कोरोना आने वाला है, आपको पता था लॉकडाउन आने वाला है? तो इसका मतलब आप पटना में नहीं है, इसका मतलब अगर हमारे आपके चैनल ने कई बार हमारे रैलियों को कवर किया है, अगर हम निकलेंगे, अगर भीड़ हो जाएगा तो क्या आप जिम्मेदारी लोगे? नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे। आपकी भीड़ है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। पर आप अभी दिल्ली में हैं, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे मुख्यमंत्री हम हाउस से निकले हैं क्या? कोई नहीं निकल सकता है, लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है। हर रोज एबीपी न्यूज मेरे से एंकर्स अपील कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में घर के अंदर रहिए, लॉकडाउन में रहिए, उसके नियमों का कड़ाई से पालन करिए। आप कर रहे हैं, जान के मुझे अच्छा लगा। मैंने एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दिया, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल में, अगला 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 सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल तेजस्वी जी, मेरा काम सवाल पूछना है, मेरा काम सवाल पूछना है। मुझे मुझे बताइए तेजस्वी भाई, 50 ट्रेन और 2000 बसें देने की आपने जो बात की, क्या वाकई में सीरियस है इस चीज को लेकर? क्या आप ये मदद कर सकते हैं? बैठक में मुख्यमंत्री को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलाह दी, क्या विपक्ष का जो है सहयोग वो लीजिए? आप लेने को तैयार ही नहीं, लेना चाहिए। आप 50 ट्रेन कहां से लेंगे? भारतीय रेलवे से लेंगे ना, वो तो बिहार की सरकार ले ही रही है। सुमित जी भारतीय रेलवे का ये गाइडलाइन है MHA का, ठीक है, आपको हम दिखा दे क्या बताइए? नो टिकट बीइंग सोल्ड आउट एनी स्टेशन। आप पढ़ लीजिए, जो सेल ऑफ टिकट्स है जो रेलवे का, उसमें द स्टेट गवर्नमेंट शैल द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स क्लियर बाय देम। नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है। पहले दिन के बाद नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है कि रेलवे का खर्चा भी देगी, 21 दिन के क्वारंटाइन का खर्चा भी देगी, और फिर 500 रुपए और देगी जब आप 21 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लेंगे। मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि 50 ट्रेनें आप कहाँ से लेंगे? 50 ट्रेनें आप कहाँ से लेंगे? भारतीय रेलवे से लेंगे ना। सही बात बताते, ये गाइडलाइन तो बता दीजिए जो भल्ला जी का आया है, ये गाइडलाइन तो बता दीजिए। इसमें है कि जो मजदूर काम के लिए गए थे वो सिर्फ घर जाना चाहते तो उनको इजाजत दी है, क्यों नहीं है इजाजत? अगर वो घर जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं दिया जाए? एक मकान मालिक उनको तंग कर रहा है, वेतन नहीं दे रहा फैक्ट्री का मालिक, आप गाली दे रहे हो, बीमारी का जिक्र कर रहे हो कि वो फैला रहे, और आप जो है बिल्डरों के दबाव में उनसे काम करवाना चाहते। मतलब आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ विपक्षी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है सत्ता में बैठे हुए लोग। अब मेरे सामने तो तेजस्वी यादव है, बिहार के विपक्षी नेता, तो मेरा काम है आपसे सवाल पूछना। वहां पे नीतीश कुमार आएंगे तो उनसे सवाल पूछूंगा मैं।